बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, रुबीना हेल्थ एंड मैरिज प्रोग्राम में आप सबको अगेन वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक खूबसूरत सा रिश्ता आज हम आपकी हिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपको आज का हमारा रिश्ता पसंद आए तो आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। रिश्ते की डिटेल बताने से पहले माशाल्लाह से वो खुशनसीब भाई जो हमारे जरूरती बनाए रिश्ता के वाले से कल सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। जी हाँ, मैं उन खुशनसीब भाई का नाम बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगी कि जो कि जरूरती बनाए रिश्ते के वाले से सिलेक्ट हुए हैं। उनका नाम हामिद अली है। जी हाँ, हमीद अली है। माशाल्लाह से वो प्लम्बरी का काम करते हैं। और देखिए, हमारी जो हमने रिश्ता आपकी खिदमत में शेयर किया था, हमारी बहन को हमारे हामिद अली भाई ने देखिए सिलेक्ट कर लिया है। और माशाल्लाह से हमारी बहन की फैमिली वालों को भी उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और लड़की का रिश्ता भी पसंद आया है। दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा खुश रखे और फैमिलियों में इत्तेफाक और मोहब्बत हमेशा पैदा रहे। और आज का जो रिश्ता है ये मैं आपके खिदमत में शेयर करने जा रही हूँ, कैसा रिश्ता है जो कि मैं चाहूँगी कि ये रिश्ता जल्द से जल्द सेलेक्ट हो। देखिए, आज का जो रिश्ता है सरकारी स्कूल टीचर का रिश्ता है। जी हाँ, इनका नाम निदा है, सरकारी स्कूल टीचर है। माशाल्लाह से 45,000 जो है इनकी सैलरी है, पक्की जॉब है माशाल्लाह से इनके पास है। इनकी उम्र देखिए 29 साल है और ये 5 है। जी हाँ, कोई औलाद नहीं है, जिसकी वजह से इनके ससुराल वालों ने इनके शौहर ने देखिए इनके शौहर ने तलाक दे दी। ससुराल वालों ने भी पूरी कोशिश की कि इनको तलाक मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। अब इनको तलाक हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं। तलाक इनका कहना है कि बहुत ही बुरी बात है, अगर औरत के दामन पे लग जाए तो एक दाग होता है जो कि कभी नहीं मिटता। लेकिन बात की जाए तो निदा के हवाले से समझदार खतून हैं, इन्होंने इनको तलाक हो दी है। इस वजह से हुई है कि क्योंकि ये माँ नहीं बन सकती। जी हाँ, 5 हैं, जिसकी वजह से इनको तलाक हो गई है और इनके शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली है। अगर निदा के हवाले से सोचा जाए तो बहुत ही अच्छी हमारी बहन है, 29 साल इनकी उम्र है, माशाल्लाह से सरकारी स्कूल टीचर भी है। ये सब बातें माशाल्लाह से बात की जाए तो इनके जहन में है, लेकिन एक बात जो है इनके जहन में बहुत ही ज़्यादा है जो कि एक तलाक होती है, जिसकी वजह से अब जो है ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगी। लेकिन इनकी फैमिली वालों ने कहा है कि कोई बात नहीं, देखिए ऐसे भी मर्द हज़रात हैं जो कि 5-5 से शादी करने के लिए तैयार हैं, तलाक याफ्ता से शादी करने के लिए तैयार हैं, दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको अच्छा रिश्ता हमारे मैरिज प्रोग्राम में से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इनकी फैमिली वालों ने कहा है कि इनकी बेटी को देखिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, उनके से अपना घर बसा लेना चाहिए, क्योंकि जवान हैं, खूबसूरत हैं, इन्होंने अपने बारे में इनको अभी सोचना चाहिए। तो जिस वजह से देखिए तलाक की वजह से ये काफ़ी परेशान रहती हैं, लेकिन अब जो है ये रजामंद हो गई हैं शादी करने के लिए। तो अच्छा रिश्ता है आपकी नज़र में, तो आप हमारे इस रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। रुबीना मैरिज प्रोग्राम में जो रिश्ता आया है इन्होंने ईमेल किया है। जी हाँ, अपने रिश्ते के हवाले से इनकी फैमिली भी यही चाहती है कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। देखिए, रिश्ते के हवाले से मैंने आपको मुकम्मल डिटेल बता दी। ये इलादा अपने घर में रिहायशी पजीर है, जो कि इनका ज़ाती घर है, और माशाल्लाह से इनकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लड़की पढ़ी लिखी है माशाल्लाह से, सरकारी स्कूल टीचर भी, अच्छी खासी आमदनी भी है। अच्छा रिश्ता चाहिए, अगर कोई भी हमारी बहन से शादी करने के लिए तैयार है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद